ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो भी सरकारी योजना होती है या केंद्र की या राज्य की, तो उसके बारे में देखेंगे। अभी रिसेंट जो RRC ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। और भी इसमें जो अगला पार्ट होगा योजना से रिलेटेड, उसको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम इसमें ऐड करेंगे। और अलग टॉपिक वाले, जैसे साइंस का क्वेश्चन हो गया या पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन होगा जिस पे पूछा जा रहा है, उसको हम उस पर क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आज की जो वीडियो है योजना से रिलेटेड। इस पर क्या है कि बोला कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये 15 अगस्त 1995 को ये योजना बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने वन लाइनर करके ही इसका आंसर इसमें लिखा है। आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक कोई सही रहता है, तो यहाँ पे वन लाइनर में ही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ बोल रहा है कि भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदना क्या है, वय वंदन क्या है। तो ये क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन, ठीक है। जो सुनिश्चित पेंशन होता है 8% की गारंटीकृत वापसी सुनिश्चित पेंशन, ये क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदन, ठीक है। और इसको कब बनाया गया था, 4 मई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, यह है गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान, ठीक है। जो व्यापार के रूप में जो ऋण लेते हैं उसके लिए ये क्या है, मुद्रा योजना, इसमें ये बनाया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें 10 लाख तक का ऋण मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ये 3 स्टेज को रखा गया है। इसे पहला शिशु है, दूसरा किशोर है, तीसरा तरुण है, ठीक है। तो जो शिशु में जो लोन लेते हैं उनको कितना दिया जाता है, 50,000 रुपये तक दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से किशोर है, तो इसमें क्या होता है, 50,000 से लेकर यहाँ 5 लाख रुपये तक दिया जाता है, ठीक है। 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसके बाद से तरुण है, तो तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का इसमें ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि किसमें कितना पैसा इसमें दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट या तो यहाँ पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा कि ये किस योजना से अंतर्गत है, तरुण जो तरुण स्टेज को रखा गया किस योजना से रिलेटेड है, तो आपका मुद्रा योजना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की थी, ठीक है। और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है कि 0 बैलेंस पे किसी भी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या राष्ट्रीयकृत बैंक में 0 बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम इसमें किया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कि इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है, क्या है, तो ये है आपका सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण करना, ये क्या है, इससे रिलेटेड है, इंद्रधनुष 2.0 से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद से है अटल पेंशन के अंतर्गत मासिक पेंशन की राशि क्या है, ठीक है। तो मासिक पेंशन की राशि क्या है, 1,000 रुपये, ठीक है। अब इसको कब बनाया गया था, अटल पेंशन योजना को कोलकाता में 9 मई 2015 को ये बनाया गया था, ठीक है। ये 9 मई 2015 को कोलकाता में बनाया गया था इस योजना को, ठीक है। तो इसको भी याद रखें कि कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इसका मासिक जो राशि है वो 1,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1 अप्रैल 1989 को ये इसका योजना का प्रारंभ हुआ था ये। और जो इसमें प्रावधान था वो था कि 90 से 100 दिन का रोजगार, ठीक है। जो गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनको क्या कि 90 से 100 दिनों का रोजगार इनको मुहैया कराए जाने का इसमें प्रावधान था, ठीक है। जवाहर तो डायरेक्ट पूछ देगा कि इसमें कितना दिन का वो था, ठीक है। जैसे इसमें है एक है नरेगा में,
उसमें कितना है, 100 से 150 का, 100 से 150 दिन का इसमें दिया है, इसमें 90 से 100 दिन का है, ठीक है। और इसको 1 अप्रैल 1989 को इस योजना को बनाया गया था। देख इसके बाद से है युवा श्री अणपढ़ योजना, ये क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के द्वारा ये बनाया गया है, और ये क्या है 6 मार्च 2019 को इस योजना को बनाया गया था, ठीक है। तो ये अर्पण योजना डायरेक्ट पूछ देगा किस राज्य का है, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्या है, ठीक है। ये क्या है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, जो शहरी जो उसका अवसर है, रोजगार के अवसर है, उसको उसमें वृद्धि करना और शहरी गरीबी को क्या है कम करना, इस योजना के का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब मतलब अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था, तो कब किया गया था 2 फरवरी 2006 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और इसको एक चीज़ और है 2 अक्टूबर 2009 में इसको क्या किया गया था, इसका नाम चेंज करके मनरेगा, ठीक है, मनरेगा इसका नाम रख दिया गया था। इसके पहले जब नाम था तो इसका नाम था क्या नरेगा, ठीक है, इसका नाम था नरेगा। एक होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जब इसको नाम चेंज किया गया था तो इसको नाम रख दिया गया मनरेगा, जिसका मतलब होता है पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006 को, फिर इसका 2009 को इसका नाम चेंज कर मनरेगा रख दिया गया था, ठीक है। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन, तो ये था आज का इतना क्वेश्चन, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसके बाद से हम और भी सारा जो क्वेश्चन होगा योजनाओं से रिलेटेड या और भी सारे टॉपिक जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में उससे टॉपिक से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।